हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? हो यहाँ साउथ कोरिया में अभी रात के हो रहे हैं 10 और हम लोग भिंडी ऑर्डर किए थे 10 kg, और हमारी भिंडी आ गई है। अभी देखे रात में हम लोग डिनर करके आए बाहर से, तो देखे भिंडी बाहर रखी हुई थी और देखते हैं कैसे आई है हमारी भिंडी, क्योंकि अतर को आ रही थी नींद, तो हमने अतर को सुला दिया है। अभी देखने जा रहे हैं कि भिंडी कैसे, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर ऐसे पूरी रात रख नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे भिंडी वगैरह, करेला, भिंडी, इंडियन सब्जी, तोरी, लौकी, ये सब नहीं मिलती है, तो ये एक मतलब बहुत सारे स्टोर हैं, वहाँ से मंगवाना पड़ता है, और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा नहीं आता है। तो हम लोग 10 kg भिंडी मंगवा लिए, सोच रहे हैं क्या करेंगे 10 kg का। अथर को पसंद है 2-3 kg, तो इधर खा लेंगे, बट और सोच रहे हैं फ्रोजन करने का। तो अभी ये सब तो सुबह करेंगे फ्रोजन वगैरह, बट अभी देखते हैं भिंडी मेरी कैसी है, इतनी सारी आपको दिखाते हैं। भिंडी 10 kg आई है हमारी भिंडी, ये रही हमारी भिंडी इतनी सारी। देखने में तो सही दिख रही है, नीचे भी देखें कैसी है, ये भगवान इतनी सारी 10 kg है। तो हमने उनसे भी बात की थी कि कोई 2-4 kg ले ले तो थोड़ा कम हो जाएगा, इतना तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक लोग को ही देना है 2 kg, तो 8 kg हमारे पास रहेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट करने की। अभी देखो हम वेट कैसे करेंगे 10 kg का, 10 भाग में डिवाइड करके 2 kg उनको दे देंगे और हम रख लेंगे इतनी सारी भिंडी। और यहाँ पर भिंडी का प्राइस कितना है आपको बताते हैं, 370 रुपये kg, मतलब 370 रुपये kg है भिंडी। भिंडी लगभग 4000 की भिंडी है 10 kg। अभी सुबह इसको फ्रोजन करेंगे, अभी तो भर के फ्रिज में रख रहे हैं, और इसको 10 जगह पे डिवाइड करके फिर 2 kg उनको देना है और 8 kg खुद रखना है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडियन सब्जियाँ मिलती नहीं, जैसे कि यहाँ पे मतलब जो हमारे यहाँ नेनुआ होता है, तोरी होता है, रामजोपा वगैरह होता है, परवल, कटहल, भिंडी, लौकी, और अपने वाला यहाँ वाला जो कद्दू होता है वो कद्दू, और सहजन के पत्ते, सहजन, ऐसी सब्ज़ियाँ यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो फिर वो कभी कभी जब मिलती हैं ना स्टोर वगैरह जो कुछ मार्ट हैं, तो वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं, बट वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आप मतलब कुछ अमाउंट होता है उतने की ऑर्डर करिए तब फ्री डिलीवरी रहेगा, नहीं तो डिलीवरी चार्ज लेंगे। और ये भिंडी वगैरह, लोबी वगैरह हो गया, तो इसका जो है 10 kg भेजते हैं, 5 kg भी नहीं भेजते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब 2-4 लोग हैं साथ में मिलके मंगवाएं तब सही है, एक लोग मंगवाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम मंगवाएं हैं क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हाँ कोई और लेगा फिर मंगवाएंगे करके, फिर कोई ले ही नहीं रहा था, फिर हमने सोचा कि हम ही मंगवा लेते हैं, नहीं तो फिर इसका सीज़न चला जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। तो हमारे अथर को पसंद भी है और इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं। तो आपको सुबह अभी इस टाइम तो ऐसे रख दे रहे हैं क्योंकि 10 बज रहे हैं, अथर भी उठ सकते हैं, आपको हम सुबह दिखाते हैं कि हाँ हम कैसे भिंडियों को डिवाइड करते हैं और फ्रोजन करते हैं। ये रही नरम नरम सी भिंडी। मॉर्निंग मेरी सुबह हो गई है और हमारे गुड्डू जा रहे हैं ऑफिस मुंह बना के, और हम 2 kg भिंडी निकाल दें, उसके बाद भी इतनी सारी भिंडी हमारे घर पे दिख रही है, हम करेंगे क्या, इतनी सारी भिंडी, ओ माय गॉड, जैसे लगा मेरे घर मेरे अथर की शादी है, इतनी सारी भिंडी। अब इसको 2 kg रख लेंगे और सब फ्रोजन कर देंगे। ये देखो भैया इतनी सारी भिंडी, इतनी सारी भिंडी, हम तो पागल हो गए। इतनी सारी भिंडी कौन खाएगा, इतनी सारी भिंडी अथर खाएंगे। हम इन सारी भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके, और ये इंडिया से हम लोग मतलब कॉटन का टॉवल लाए हैं और उसी पे सोच रहे हैं डाल देंगे तो भिंडी जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि यहाँ आज हो रही है बारिश और पूरा दिन अथर इधर उधर करते रहेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे भिंडियाँ तोड़ रहा है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से वॉश करके सुखा के रख दें।
हमारा भैया देखो कितना काम कर रहा है। थैंक यू लल्ली, थैंक यू। और सूखने के बाद इसको कट करके फ्रोजन करेंगे। थैंक यू, देखो हमारा भैया मम्मा के साथ हेल्प कर रहा है। थैंक यू मेरी जान। देखिए हमारी भिंडी रेडी हो गई है, देखो कैसे सुखा रहे हैं। और इधर इधर भी है ये मामा, और ये सारी भिंडियाँ अभी जो है सबका पानी, ये देखो एकदम सूखी सूखी सी हो गई हैं, अच्छे से सूख गई हैं। सूखने इन द सेंस कि मतलब पानी नहीं है अब। और अब इसको जो है सब्जी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे कट करके, और उसके बाद जिप लॉकर है उसी में करके रख देंगे सारी। ये देखिए भिंडी अच्छे से सूख गई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो 2-3 घंटे हो गए हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब इसे कट करके रख लेते हैं। और इसे फ्रोजन करने के लिए जितना आपको एक बार में बनाना है उतना ही एक जिप लॉकर में डाल के रखना होगा। तो कट करके जिप लॉकर में डाल के और फ्रीजर में रख देंगे, और ये 5-6 महीने आराम से चल जाती है। 5-6 महीने जब भी आपको बनाना है आप निकालिए और उसके बाद में बना लीजिए, निकाल के अच्छा बनता है। हाँ हमारा भैया भी भाई हेल्प करने बैठा है। और ये रही हमारी भिंडी, इसे 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 कट कर लेंगे। देखिए हम इतनी सी पीस काटते हैं, मतलब सब अलग अलग, सबका अलग अलग होता है, बट हम लोग प्याज डाल के, ढेर सारी प्याज डाल के बनाते हैं तो ऐसे ही काटते हैं। तो अभी काट के रखना है। थोड़ी थोड़ी सी भिंडी काट रही थी, एकदम थक गई थी, मैंने आइडिया लगाया आज इतनी इतनी भिंडी एक साथ में कट रही है हमारी, ढेर सारी एकदम। कर ले जुगाड़ कोई, कर ले कोई जुगाड़, ऐसे करके मेरी भिंडी जल्दी से कट गई। एक बार में 7-8 भिंडी काट रहे हैं क्योंकि इतनी सारी भिंडी थी, तो हमें बहुत सारी भिंडी कट करके और हम ये जिप लॉकर में रख दिए हैं, ये इतना सारा। और इसे अभी सोचे, हाँ अभी इसको रख देंगे मैं सोचे फ्रीजर में।